हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की दोस्तों क्वेश्चन पेपर की आंसर की। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसकी दोस्तों एकदम 100% सटीक और दोस्तों राइट आंसर की मैं आपके लिए बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ये तीनों भुजाएँ आपस में दोस्तों समांतर दी हुई हैं, जिसमें दोस्तों समांतर का कोण 2 लग जाएगा नियम, तो ये क्या हो जाएगी, एकांतर कोण हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगी 70 की है, ये भी 70 की है, तो ये नीचे वाली 30 की हो जाएगी, ऊपर वाली दोस्तों 40 की हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 140 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स का मान 120 आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक रेलगाड़ी वाला दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो लंबाई आएगी वो 120 मीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पे भाग देना था x माइनस 2 का इसमें, और भाग देंगे तो यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त होगा वो -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि भिन्न को स्वयं से गुणा करते हैं तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें 2 सही, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरेख है, इसमें दोस्तों ये वृत्त दिया हुआ है और इसमें त्रिभुज बना हुआ है, तो SPR कोण मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये कौन सा होगा दोस्तों, तो 10 डिग्री यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 डिग्री इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो इसमें देखिए दोस्तों ये सरल था, यहाँ पर सॉरी एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो ये क्या है, इसमें बस वर्ग करना था आपको, वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो आयोटा आएगा, बस इसमें रखना था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी है, तो इसमें 6 किलो अधिक चीनी कर देती है, तो इसमें क्या है दोस्तों, चीनी की प्रति किलो मूल बताना है, मूल्य तो कितना हो जाएगा 10 किलो, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आर एस की जो लंबाई हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ये स्टार की वैल्यू बतानी थी यहाँ पे दोस्तों, तो 63 अगर हम रखते हैं तो 21 या 63, यहाँ पे दोस्तों 3 से 3 कट जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो वापस से 63 हो जाएगा, तो ये वापस से 63 का इससे गुणा करेंगे तो 189, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से 1 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो ये है, तो दोस्तों इसमें कौन सा, कितने जोड़े बनेंगे, तो केवल 1 जोड़ा यहाँ पर बनेगा। 8 छात्रों की औसत आयु दोस्तों 11 वर्ष है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना है उनका औसत क्या होगा, तो 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 10 पुरुषों के कार्य 15 दिनों तक पूरा कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में, दोस्तों एफिशिएंसी का है ये सवाल, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 6 सही 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 सही 2/3 क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3। नेक्स्ट है दोस्तों, एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक अंकन करता है और 25% की छूट देता है, तो यहाँ पे दोस्तों 10% वजन कम कर देता है, तो शुद्ध लाभ क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 45% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 252 ए को और बी को ये क्या है दोस्तों, बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा ये हो जाए, तो इनका योग 5/7 है, तो बी का हिस्सा है, इनका 5/7 बी का हिस्सा है, तो ए और सी के हिस्सों का योग ये है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3000 सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान दर को उधार देता है, तो दोनों का कुल मिलाकर 2200 रुपये हैं, तो दोस्तों प्रति वर्ष ब्याज क्या हो जाएगी, तो प्रति वर्ष ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज की अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ब्याज की अगर बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए दोस्तों ब्याज यहाँ पे 10% होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके दोस्तों, जीके और साइंस के क्वेश्चन मैं आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।